नमस्ते बच्चों आज मैं आपके लिए डायमंड कॉमिक्स के खजाने से लेकर आई हूँ चाचा चौधरी की कहानियां तो शुरू करते हैं शिकारी लकड़बग्घा सिंह शिकारी लकड़बग्घा सिंह चाचा चौधरी के घर चाचा जी आप भी कैसी जगह रहते हैं जहां कोई जंगल ही नहीं यहाँ जंगल है कहां मैं आपको वहां तभी ले चलूंगा जब आप वादा करें कि किसी जानवर को नहीं मारोगे मैं वचन देता हूँ साबु तुम भी चलो ताजी हवा खा लेना तो आओ मेरे साथ यह रहा जंगल वाह, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है वह रहा एक जंगली भैंसा लकड़भग्गा। तुमने तो किसी जानवर को ना मारने का वचन दिया था कैसा वचन कौन सा वचन मुझे कुछ याद नहीं था अरे कमखत, निशाना चूक गया भैंसा, गुस्से से शिकारी की तरफ पलटा अरे बंदूक में गोली खत्म कारतूस भरने का समय भी नहीं ठिक ठिक चाचा जी बचाओ मिस्टर लकड़भग्गा कहो वचन याद आया या नहीं आ गया अच्छी तरह से आ गया लेकिन पहले इस भैंसे से मेरी जान बचाओ चाचा चौधरी अपनी पगड़ी खोलता है चल मेरी पगड़ी दिखा कमाल पकड़ लिया। अरे साबू जरा आना मदद को यह तो मुझे ही खींचे लिए जा रहा है आया चाचा जी जरा मैं भी देखूं भाई कि तुझमें कितना दम है रुक गया भैसा रुक गया बाप रे, इसे रोकना कितना मुश्किल था चलो जान बची लाखों पाए पर वह कमकत लकड़भग्गा सिंह कहाँ चला गया मैं यहां हूँ चाचा जी अगर वह भैंसा चला गया हो तो मैं नीचे उतर आऊ दूसरी कहानी अनोखा जहाज साबू बरसात का मौसम आ गया है अब तू एक छतरी खरीद ले मैंने छतरी बना ली है यह देखो पैराशूट में तारे फिट करके बीच में एक बिजली का खंबा लगा दिया है वाह मैं तो समझता था कि तू शरीर से ही लंबा चौड़ा है अकल कम है परंतु अब तो तुझमें भी अकल आती जा रही है उधर शहर के एक भाग में बचाओ बचाओ बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ बाढ़ का पानी बराबर बढ़ रहा है अगर उन्हें निकाला ना गया तो शीघ्र ही सैकड़ों लोग डूबकर मर जाएंगे बेचारे उफ क्या करें हमारे पास नाव भी नहीं है क्या मदद लेने दूसरे शहर जाए जब तक हम मदद लेकर दूसरे शहर से लौटेंगे तब तक बाढ़ का पानी उन सबको बहाकर ले जाएगा तो फिर क्या करें? यहाँ पास ही चाचा चौधरी रहते हैं चलो उनके पास चले वही कुछ करेंगे चाचा जी शहर का दक्षिणी भाग बाढ़ में डूब गया है अगर शीघ्र ही मदद ना पहुंचाई गई तो सब मर जाएंगे चलो मैं चलकर देखता हूं बचाओ बचाओ फिक्र मत करो मेरे पास नाव नहीं जहाज है साबू कूद जाओ पानी में जय बजरंग आप सब लोग जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ सब आ गए कोई रह तो नहीं गया नहीं सब आ गए अब तुम चलो चाचा जी ज्यादा बोझ से साबु डूब तो नहीं जाएगा अरे वह तो इतने आदमी और लाद कर ला सकता है वाह देखा मेरा जहाज तुम स, तुम्हारे सारे आदमी किनारे पर सुरक्षित ले आया धन्यवाद तो बच्चों आज के लिए इतना ही जल्दी ही मिलेंगे नई कहानियों के साथ धन्यवाद